दिस अ लास्ट स्टेप बिफोर एक्साइटमेंट यानी एक्चुअली हम डोमेन नेम को रजिस्टर से पहले सिर्फ ये देख लेते हैं कि डोमेन नेम के एक दो चीजें आपको समझना जरूरी है वो क्या है सबसे पहली चीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन नेम आपके ऑनलाइन स्टोर को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेट के ऊपर तो मेरा कहने का मतलब है इट हैज टू बी सिलेक्टेड वेरी वेरी कॉन्शियसली सोच समझ के आपने डोमेन नेम इंत करना है आपने नहीं करना, है, for example, दराज है, है, है। तो तो हमें as a brand, वो नाम याद है। तो ये नेम की है। उसके बाद नेम का जो एक्चुअल काम है वो ये है कि इंटरनेट के ऊपर आपका जो ऑनलाइन स्टोर है वहां तक पहुंचना यानी कंप्यूटर्स को भी यानी आईएसपीस को भी ये हेल्प करे कि मेरा जो ऑनलाइन स्टोर मौजूद है इंटरनेट पे वो कहां मौजूद है वो डोमेन नेम के जरिए आईएसपी दूसरे आईएसपी से बात करती है अब अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं देखें डोमेन नेम फॉर एग्जांपल दराज. डॉट पीके एमेजॉन डॉट कॉम अली डॉट कॉम ऑन ये तो मेरे और आपके समझने के लिए है कंप्यूटर को अनफॉर्चुनेटली उर्दू इंग्लिश समझ नहीं आती कंप्यूटर यूज करता है एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस आपने अमूमन सुना होगा .0 .0 या कोई भी चार आपको, आपको नंबर बताए जाते हैं जो एक्चुअली आईपी एड्रेस होता है आपके कंप्यूटर का यानी ह्यूमनली यानी मेरे और आपके समझने के लिए तो दराज डॉट पीके है यूं समझे लेकिन एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को बताना है दराज डॉट पीके फाइंड करो तो वो दराज डॉट पीके नहीं बताएगा उस दराज डॉट पीके अगेंस्ट गे कोई आईपी एड्रेस होगा आप यू समझे कुछ नंबर है आसान लफ्जों में बिकॉज आईपी एड्रेस कैसे बनता है वो आपको समझने की जरूरत नहीं है बस समझे कुछ नंबर है तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को यह बताता है कि मुझे यह नंबर लोकेट करके बताओ इंटरनेट पे कहां मौजूद है सिंपल और वो जो नंबर है वो फिर हमने आगे अटैच किया होता है फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट के नाम से डोमेन नेम से इंसानों के लिए नंबरिंग को याद रखना मुश्किल है ऑब्वियस बात है लेकिन जो कंप्यूटर्स है उनको अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश उर्दू का नहीं पता होता दे टॉक इन नंबर्स मतलब अगर आसान लफ्जों में समझाऊं कंप्यूटर के लिए नंबर्स में बातचीत करना आसान है रादर देन इन एल्फाबेट्स तो इंसानों के लिए डोमेन नेम यस yes, इंग्लिश है इंग्लिश या नोमरिक एंड सो ऑन लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं दे टॉक इन इन द वे ऑफ आईपी एड्रेस यानी दे दे टॉक इन नंबर्स तो हर डोमेन नेम के अगेंस्ट कोई ना कोई आईपी एड्रेस मौजूद होता है तो ये सिर्फ यहां तक आपने समझना है जो तीसरी चीज आपने समझनी है और यह जरा इंपॉर्टेंट है कि जो डोमेन नेम है ना वो जितनी भी वेबसाइट्स हैं दुनिया में डोमेन नेम कभी रिपीट नहीं हो सकता मतलब आसान लफ्ज में आपको इसको विजुलाइज़ करके बताता हूं ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल आपने अली लिखा तो आपको डिफरेंट वेबसाइट नजर आए इन डिफरेंट टाइम पीरियड यानी फॉर एग्जांपल सुबह आपने दस बज के बीस मिनट पर अली लिखा तो आपको एक वेब पेज नजर आया बज के बीस मिनट के ऊपर आपने अली लिखा तो आपको कोई और वेबसाइट नजर आना शुरू हो गई यानी फॉर एग्जाम्पल गूगल नजर आना शुरू हो गई ऐसा नहीं हो सकता यानी एक डोमेन नेम इंटरनेट के ऊपर यूनिक है यानी यू समझे दो वेबसाइट्स का नाम गूगल डॉट कॉम नहीं हो सकता अगर मैंने गूगल डॉट कॉम परचेज कर ली है तो और कोई नहीं खरीद सकता आसान लफ्जों में इसका मतलब यह है अगर मुझे गूगल डॉट कॉम या दराज डॉट या कोई भी एक्स वाई जी डोमेन मैंने अगर एक बार खरीद ली है तो वो मेरी प्रॉपर्टी है उस नाम को कोई और नहीं खरीद सकता ये डोमेन नेम की यूनिक चीज है यानी ये डोमेन नेम रिपीट नहीं हो सकता उसके बाद ऑब्वियसली मैंने अगर डोमेन नेम को यूज करना है तो आई हैव टू रजिस्टर्ड इट यूज करने से पहले मुझे उसको रजिस्टर करवाना है इससे मुराद यह है कि इनडायरेक्टली आई हैव टू परचेज इट क्योंकि डोमेन नेम ऑब्वियसली इट्स नॉट फ्री आईपी एड्रेस आपके पास डोमेन नेम के साथ आ जाता है लेकिन डोमेन नेम के लिए यू हैव टू पे सर्टन अमाउंट टू योर सर्विस प्रोवाइडर या जो भी होस्ट होस्ट प्रोवाइडर हैं जो फॉर एग्जांपल गो डैडी डॉट कॉम है या फॉर एग्जांपल वन एन वन डॉट कॉम है एंड देर लॉट ऑफ अदर्स सो आई हैव टू इट इट बिफोर आई यूज तो अब हम ये देखते हैं कि जो डोमेन नेम्स हैं वो अमूमन एक कॉमन पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं अमूमन से मुराद ये है कि कुछ डोमेन नेम इससे वेरी भी करते हैं अमूमन डोमेन नेम होता है कि सबसे पहले लिखा होता है डब्ल्यू 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 यानी वर्ल्ड वाइड वेब डॉट जो भी डोमेन का नाम है उसके बाद डॉट ई यानी उसकी एक्सटेंशन सबसे मशहूर एक्सटेंशन फॉर एग्जाम्पल डॉट कॉम है उसके बाद डॉट मतलब और और जो एक्सटेंशन की है, वो फॉर एग्जाम्पल फॉर यू ए तो वो डॉट ए अगर मैं अगर मैं पाकिस्तान की डोमेन परचेज करना चाह रहा हूं और मैं एक्सप्लिसिटली ये बताना चाह रहा हूं कि ये पाकिस्तान का डाटा इस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आई विल गो फॉर डॉट पीके अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन परचेस करने जा रही है तो आई कैन गो फॉर डॉट एक चीज आप लोग को दिमाग में ये रखनी है कि नेम .com हो चाहे या कोई भी हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर डॉट पीके डोमेन है तो यहां पे सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही विजिट कर सकते हैं ऐसा नहीं है इस डोमेन नेम का इंटरनेट की ट्रैफिक से कोई ताल्लुक नहीं है मतलब मेरी वेबसाइट की एक्सटेंशन डॉट कॉम हो डॉट हो डॉट ए डॉट एक्स मैं दुनिया में से कहीं पे भी बैठा हुआ किसी भी एक्सटेंशन को एक्सेस कर सकता हूं वाया वेब ब्राउजर ऑल आई नीड टू रिमेंबर इज द करेक्ट डोमेन नेम अलोंग विद एक्सटेंशन अगर मुझे नाम कंप्लीटली याद है तो मैं दुनिया में कहीं से भी कोई भी डोमेन को एक्सेस कर सकता हूं इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है तो यह दिमाग में आपने बात लेके नहीं आनी डॉट कॉम का मतलब है कि मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं डॉट है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान से कर सकता हूं डॉट ए है कि सिर्फ यूए से कर सकता हूं ऐसा नहीं है तो इन द एंड मी जस्ट गिव यू द लिस्ट ऑफ सर्टन रिनोन एक्सटेंशन तो अब आप अगर यह देखें इस वेब पेज के ऊपर यहां पे अभी आपको ना बहुत ज्यादा लिस्ट दिखा रहा है कि डॉट कॉम हम यूज करते हैं अमूमन वो एंटिटी जो कमर्शियल है यानी इससे मुराद अगेन इसको मैं एज अ बिजनेस ओनर भी खरीद सकता हूं आप एज अ स्टूडेंट भी खरीद सकते हैं यानी कोई लिमिटेशन नहीं है डॉट कॉम खरीदने के लिए मेरा बिजनेस होना जरूरी है ऐसा कतन नहीं है लेकिन डॉट कॉम अमूमन रेफर किया जाता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को डॉट ओआरजी रिप्रेजेंट किया जाता है अमूमन ऑर्गेनाइजेशन को विच आर नॉन कमर्शियल डॉट नेट किया जाता है कि जब आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर रहे हैं जो नेटवर्क से रिलेटेड है आई एन टी होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईडीयू अमूमन यूज किया जाता है एजुकेशनल

इसका मतलब है कि मैंने एंड में ए लगाना है जो भी मेरी डोमेन है एंड में मैं अगर ए लगा दूंगा इसका मतलब है कि आई एम रेफरिंग टू सम वेबसाइट हैव हैव अ प्रेजेंस प्रेजेंस या बिजनेस और इज इंडिकेटिंग सम रिलेशनशिप टू ए ट्रैफिक दुनिया में कहीं से भी एक्सेस हो सकती है उसके अलावा इफ आई गो टू लेट सपोज पाकिस्तान तो इफ आई स्किम थ्रू मैं अगर पाकिस्तान पे जाता हूं तो अब आप यहां देखें पाकिस्तान में अब ये देखें ये पीके आ रहा है ये पाकिस्तान के लिए अगर मैं यूज करना चाह रहा हूं तो ये पीके है उसके बाद सपोज मैं अगर पोर्चुगल में करना चाह रहा हूं तो उसकी यहां पी है अगर मैं कतर में करना चाह रहा हूं क्यू तो ए है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यू कैन स्किम थ्रू एवरी कंट्री एंड एवरी कंट्री इज हैविंग इट्स यूनिक डोमेन एक्सटेंशन यानी ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की एक्सटेंशन भी डॉट पीके हो और सपोज ब्राजील uh, की भी डॉट पीके ऐसा नहीं है और ये इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन है आयाना वो इस चीज को इंश्योर कर रही होती है कि एक कंट्री का जो एक्सटेंशन है वो यूनिक रहे उस कंट्री की वेबसाइट से रिलेटेड